हेलो भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त लवकेश, लेकर आया हूं एक नई वीडियो। ये है हमारे सामने TVS का इलेक्ट्रिक ऑटो। तो मैंने TVS इलेक्ट्रिक ऑटो की बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं पहले ही, जब ये लॉन्च हुआ था। एक शोरूम पर भी बना चुका हूं और इसकी रेंज टेस्ट वगैरह कंपेरिजन वगैरह की पहले ही वीडियो है मेरे चैनल पर। बट वो जो ऑटो था उसके टायर्स छोटे थे, और ये जो है ना एक अपडेट वर्जन आया है, मतलब नया वर्जन आया है, मतलब अपडेट किया है कंपनी ने इसमें। तो अब जो है ना कस्टमर, उनका मैं है ना ओनरशिप एक्सपीरियंस लूँगा, उनसे पूछूंगा कैसा चल रहा है, कितने का आया और कितने किलोमीटर चलता है, चार्जिंग कितने घंटे में हो जाती है। ये सारी बातें है ना मैं इस वीडियो में करूँगा। और इस बार है ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, ऊँचा ऊँचा सा। पहले है ना ये बहुत नीचा सा लगता था, और ग्राफिक्स भी ऐड किए हैं, उनकी भी बात करूँगा। तो सबसे पहले सामने से देखने में उसी तरह का नज़र आता है जो पिछला वाला था, बट इस बार क्या है चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ है ना ये ब्लू के जो है ना ग्राफिक डाल दिए हैं, और सेम TVS का लोगो आता है सामने, आप देख सकते हो। और यहाँ नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह दे रखे है। नया ऑटो है भैया ने अभी ख़रीदा है, और ये वाइपर का सेटअप है, ऐसे वाइपर आते हैं, अच्छे वाइपर हैं। और जो ग्लास एरिया है ना वो बहुत अच्छा है। इस ऑटो की एक ख़ास बात लगी मुझे, ये है ना पूरा मेटल में है बिल्कुल, और है ना ऐसी हल्की फुल्की बॉडी नहीं है, मजबूत ऑटो है बिल्कुल एकदम। और यहाँ पर है ना इस बार ये भी फीचर किया गया है 24/7 रोड साइड असिस्टेंस, मतलब कोई भी दिक्कत आ जाए इस नंबर पर कॉल करिए, स्वयं मतलब कंपनी वाले भेजेंगे और ऑटो टो कर लेंगे वो अपना। LED हेडलाइट्स आती हैं, ये है ना इस ऑटो में LED हेडलाइट्स आती हैं, बाकी है ना किसी में भी नहीं आती शायद, मुझे अब तक पता है। और ये बहुत अच्छी लाइट है, रात में है ना उजाला कर देती हैं। हेलोजन वो आते हैं आपके, इंडिकेटर आते हैं, और ऐसी कुछ जो है ना पूरी असेंबली आती है इसकी। यहाँ पर ये एक क्रोम की पट्टी सी भी दे रखी है जो बोट शेप में आती है, बहुत अच्छी लगती है। और ये जो टायर है इस बार बड़े कर दिए हैं, ऐसा सस्पेंशन है जो पिछले वर्जन में आता था वही सस्पेंशन है। और यहाँ पर है ना GK के टायर आते हैं, टायर शायद मेरे हिसाब से 120/80R12 का ही होगा, जो आपके बजाज वगैरह में आते हैं वही टायर होंगे, यहाँ तक है मैं देख लेता हूँ। हाँ ये देखिए 120/80R12 का टायर साइज है, ऐसी रिम दे दिए हैं इसमें। पहले ना छोटे टायर आते थे जो कि है ना कॉम्पिटिशन से मैच नहीं कर रहे थे जो और ऑटो में आते हैं, ऐसी कुछ है ना वो आती हैं, सस्पेंशन वगैरह का सेटअप ऐसा है। वैसे है ना बिल्ड अच्छी है इसकी, जो बनावट है ना वो बहुत मजबूत है और है ना बहुत अच्छी है, और ब्रेक्स भी इस ऑटो की है ना बहुत अच्छी हैं। अब मैं ना साइड से दिखाता हूँ, साइड से देखने पर कुछ इस तरीके का नज़र आता है, आप देख सकते हो। ये हमारा साथी भी आ गया एक, और यहाँ पर है ना अब इस बार है ना इलेक्ट्रिक प्लस की बैजिंग दे रखी है, पिछली बार नहीं थी जो मैंने देखा था। और बैटरी की कवरिंग इस टाइप की दिखती है, और ऑटो है ना बिल्कुल ये नया है, अभी तक पन्नी भी नहीं हटी है, और मीटर डिजिटल आता है इसमें आप देख सकते हो। अब मैं ना एक रियर लुक भी दिखा दूँ, पीछे से भी दिखा दूँ क्या बदलाव किए हैं। पीछे से वही सेम है, बट है ना इस बार है ना वो फील आई, ऊँचा ऊँचा सा लगेगा, ऐसा बम्पर है। कंपनी फिटेड है भैया, ये कंपनी फिटेड आता है। यहाँ पर जो है नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह है, ये लाइट दे रखी है, और इसकी है ना ये LED टेल लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पर EV की बैजिंग आती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्लस की बैजिंग आती है। ये TVS का है, अगर आपको आगरा में खरीदना है ना तो आप इन भैया से खरीद सकते हैं, बहुत अच्छे भैया हैं, प्रगति TVS के नाम से इनका शोरूम है, और इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और भी आसपास के ज़िले में ख़रीदना है तो ये आपको डिलीवर कर देंगे यहाँ तक, मुझे पता है। और ऐसा कुछ है इसकी जो कैनोपी वगैरह इस टाइप की दे रखी है, रेगजीन कैनोपी आती है, और थोड़ी सी ब्लू कलर में आती है। अब है ना पीछे के टायर साइज भी दिखा देता हूँ, पीछे का टायर भी सेम है 120/80R12 है, आप देख सकते हो तीनों टायर सेम है। पीछे का सस्पेंशन कुछ इस तरीके का है, मैं आपको एक बार नीचे से और दिखा दूँ इसका। नीचे से सेटअप कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो ऐसे सस्पेंशन आते हैं, और आगे से कुछ इस तरीके का है। तो इसकी जो बनावट है ना वो मजबूत है बहुत। अब मैं एक बार अंदर से भी दिखा देता हूँ आपको, जैसे ही आप इसमें एंटर करोगे ना तो ऐसा कुछ नज़र आता है, इसकी जो जो फ्रंट डैशबोर्ड है ना कुछ इस तरीके का नज़र आता है। देखिए इसकी जो डैशबोर्ड की क्वालिटी है वो जो आजकल है ना बजाज का चल रहा है, बजाज आ रही उसके टक्कर की है। मैं सही बताऊँ आपको, जो क्वालिटी जो बनावट में क्वालिटी है वो उसी की टक्कर की है बजाज की। और जो फिट एंड फिनिश है वो भी बहुत अच्छी है इस ऑटो की, जो पिछला मॉडल था ना उसमें इतनी अच्छी नहीं थी, जो अब आ रहे हैं उसमें अच्छी है। यहाँ पर है ना चार्जिंग के लिए ये USB चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, वो 12 वोल्ट वाला नहीं दे रखा, बेकार होता है वो, किसी काम का नहीं होता, ये अच्छा दे रखा है। डिजिटल जो है ना मीटर आता है, आप देख सकते हो यहाँ पर है ना ट्रिप दिख जाएगी, और यहाँ पर ये कितने किलोमीटर चलाए हैं, और वो भी ओडोमीटर की रीडिंग है, ये टाइम पता चल जाता है, बैटरी परसेंटेज पता चल जाता है। यहाँ पर अभी ये न्यूट्रल में है,
और यहाँ से इसके मोड चेंज होते हैं। देखिए ये देख सकते हो फ्रंट है, फ्रंट है ये, और यहाँ से भैया ये एम का क्या मतलब होता है? मोड है, मोड, मोड मैं इसमें भूल गया हूँ, मैंने बहुत पहले रिव्यू किया था, पूछ लेता हूँ। ये रिवर्स है, अब जैसे है ना मैं फ्रंट डालूंगा तो अब ये फ्रंट में आ गया, आप देख सकते हो। अब मैं मोड में डालूंगा तो मोड में इको मोड आ गया, एक बार और दबाऊंगा तो सिटी मोड आ गया, एक बार और मोड दबाऊंगा तो पावर मोड आ गया। तो यहाँ से आपके इसके मोड चेंज कर सकते हो। और ये रिवर्स का है, अब गाड़ी रिवर्स मोड में आ गई और बीप करती है। और ये अच्छा, अब फ्रंट, अब न्यूट्रल कैसे होगा भैया? ऐसे मुझे न्यूट्रल करना, अपने आप हो जाएगा। अच्छा, अपने आप न्यूट्रल हो जाता है, अगर मैं इसे टच ना करूँगा तो थोड़ी देर बाद ये अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा। अब मैं एक बार चाबी बंद चालू करके दिखाऊंगा, ऐसे कुछ साइन आते हैं जब मीटर चालू होता है तो। और भैया ने रेडियो वगैरह सेटअप पूरा करवा रखा है, स्पीकर के लिए जगह दे रखी है, दो दो जगह हैं यहाँ पर। और ये इसका ग्लव बॉक्स है, आप देख सकते हो, एक यहाँ भी दे रखा है, दो दो दे रखे हैं। और ब्रेक की सेटिंग ऐसी है, और इसमें ना फ्रंट में जगह भी ठीक है, अच्छी है, और इसकी सीट बहुत बड़ी है भाई, और ऑटो से सीट इसकी बड़ी है। और भैया ने थोड़ी सी है ना एक्सटेंशन करवा रखा है यहाँ से और यहाँ से। साइड मिरर कुछ इस तरीके के नज़र आते हैं, कंपनी फिटेड जो है वो लाइट आती है, जो कि अभी चालू नहीं हो रही, भैया को पता है कैसे चालू होते हैं, मुझ पर तो हो नहीं रही है। और यहाँ पर है ना वो लगाने का है आपका फायर एक्सटिंग्विशर या बोतल वगैरह रख सकते हो। और ये रियर साइड में बैठ पैसेंजर के लिए जगह दे रखी है, जो कि ठीक है, मतलब जगह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, और स्पेस वक्के के मामले में तो ये ऑटो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर है ना भैया ने डीजे सेटअप बना रखा है, स्टेपनी भी सेम साइज़ की आती है, देख सकते हो आप। और मैं भैया से थोड़ा सा जान लेता हूँ, भैया आइए सामने। भैया क्या नाम है आपका? मनीष नाम है। तो भैया आपने कब लिया था ये? भैया एक महीने। तो आपने नगद लिया था भैया, फाइनेंस? फाइनेंस कराया था। फाइनेंस कराया था, तो फाइनेंस करा के कितने का पड़ा है ये? पड़ेगा भैया मुझे 5,40,000। अच्छा, आपने कितने जमा किए थे? 50,000। और किस्त कितने की जाती है हर महीने? 13,750। 13,750 की किस्त जाती है, कितने महीने देनी है? 36 महीने। 36 महीने देनी है। तो आप देख सकते हो भैया ने बताया कि मैंने इतने का खरीदा। अच्छा भैया एक बात बताइए, ये कितने किलोमीटर चल जाता है पूरे दिन में? चार्जिंग पे तो 110 किलोमीटर चलता है, लेकिन आगे बढ़ जाएगा ये। अच्छा, सर्विस पे। अच्छा, ऐसा कंपनी वालों ने बताया? नहीं, वैसे पहले 100 चलता था, 110 किलोमीटर बढ़ गया है पहले। अच्छा, अब 10 किलोमीटर ज्यादा चलता है, दूसरी सर्विस और बढ़ जाएगा ये। अच्छा, और बढ़ जाएगा, ऐसा कंपनी वालों ने बताया आपको। अच्छा भैया एक बात और बताइए, ये कितने घंटे में चार्ज हो जाता है? 2.5 घंटे में फुल चार्ज होता है। अच्छा, आपने पहले कोई और ऑटो चलाया है? नहीं, मैंने तो पहली बार ही लिया है। पहली बार ही ऑटो चला रहे हैं आप? मैंने पहले तो ट्रक चलाता था। ट्रक चलाते थे? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे CNG वगैरह चला कर आते हैं ना। नहीं, मैं तो पहले ट्रक चलाता था, अभी मैंने अभी लिया है। अच्छा एक बात और बताइए भैया, कि ये लेना चाहिए या नहीं? अच्छी तो है, बढ़िया तो क्वालिटी है। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा लेना चाहिए, आपको अच्छा लगा? अच्छा, इसकी टॉप स्पीड और बताइए जिसके लिए फेमस है ये? 70 से 75 तक भगती है। भगती है, हाँ, ये तो मैंने भी देखा भाइयों, इसकी टॉप स्पीड मैंने टेस्ट कर रखी है, आप मेरे वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हो, ये बहुत ही फास्ट ऑटो है, थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी, इतनी सही भी। तो आज एक और बुक करने जा रहा हूं। अच्छा अच्छा, भैया आज एक और लेने जा रहे हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको अच्छी लगी। बहुत सारे लोग हैं ना वो स्पीड भी प्रेफर करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि रेंज ही रेंज चाहिए, कुछ लोगों को स्पीड भी चाहिए। अच्छा भैया एक बात बताओ, मार्केट में बहुत सारे ऑटो और हैं, बजाज के हैं, महिंद्रा के हैं, तो आप वो ना देखे आपने? नहीं, मैंने नहीं देखे, मुझे तो हाँ भाई ये पसंद आया। अच्छा तो भाई ये था इसका बहुत आई है। अच्छा भैया एक आपकी मैं थोड़ा सा पूछूं, तो बहुत सारे ऑटो वाले शर्माते हैं, बताते ना है, तो थोड़ा बहुत कितना आसपास कमा लेते जाते एक दिन में? वो तो अपनी दुकानदारी के साथ है, 8 से 9 से 12 जैसे ग्राहक आ जाते हैं। आगरा में कैसा वो चल रहा है? आगरा में सही चल रहा है, हम तो आउट एरिया में चलते हैं, जैसे सिकंदरा रंगता है। अच्छा, डालता होता है, तो वहाँ 8 से 9 से आराम देते हैं। अच्छा, ये था भैया का ओवरऑल वीडियो।